27 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी इज्जत बची है, आप जहां इसके सरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे वहां उसे सम्मान दे। बहुत ही स्थिति खराब है, हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व मंत्री और एक मौजूदा विधायक ने अपनी ही पार्टी के बारे में ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गया। दोनों नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए इसमें सुधार करने की जरूरत पर जोर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भ्रष्टाचार पर दिए गए बीजेपी नेताओं के इस बयान पर लगे हाथ विपक्ष ने भी टिप्पणी की है। जो पहला बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पट्टी विधानसभा में 11 जुलाई को मतदाता सम्मान समारोह के दौरान वो जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान खुले मंच से वो अपनी ही सरकार की कमियां गिनाने लगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूर्व बीजेपी मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल लिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 145 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें अपराधी हो गए, कोई महाद्रस के बाबा है कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने साफ साफ कहा कि प्रतापगढ़ में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है जिसमें आम लोग पिस रहे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है, सुनिए। ये कहने बिल्कुल संकोच नहीं कि प्रतापगढ़ जिले के तहसील और थानों का भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, तभी ये मतदाता सम्मान का उचित प्रमाणित हो। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे कुर्सी पर बैठ गया। राजेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ जिले की पट्टी से जीत हासिल करने के बाद उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के राम सिंह से हार गए थे। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी चुटकी लेने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग जब प्रमाण पत्र बांट रहे हो तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए। अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। इसके अलावा जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा का भी एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की वर्तमान स्थिति खराब है, पार्टी के सामने क्या मुश्किल है और इससे आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी उन्होंने खुलकर बताया है। सुनिए उनकी पूरी बात। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है, हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही। इस बयान पर भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट है। अखिलेश ने लिखा कि भाजपा के तथाकथित सहयोगी या तो किसी बहाने से पार्टी से बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। इसके लिए कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयान को और कोई अंदरूनी जनप्रतिनिधि ऐसे वीडियो बना रहे हैं। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई ही बीजेपी को ले डूबेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मोती सिंह जैसे वरिष्ठतम नेताओं द्वारा सर्टिफाइड भ्रष्ट है। पिछले 70 सालों में ऐसी भ्रष्टतम सरकार कभी नहीं आई जिसको उनके खुद के वरिष्ठ नेता कहते हो कि यह भ्रष्ट सरकार है। थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह पर रेट बंधे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोती सिंह जी कह रहे हैं। और रमेश मिश्रा जी जो 2 बार के भाजपा के विधायक हैं, अब उन्होंने तो बिल्कुल अपना अलग ही राग कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में लूट की छूट को लेकर के या लूट के बंदरबांट को लेकर के ये सारी लड़ाई है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई ही इनको लीड। बीजेपी में इस असंतोष के क्या मायने हैं? क्या इसका असर आने वाले उपचुनावों पर भी पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जब वीडियो वायरल हुआ तो दोनों नेताओं की सफाई आई। बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए क्या कहा, सुनिए। मेरी कुछ वीडियो मीडिया में वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें, फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात हमारी सरकार जो देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सबका साथ सबके विकास की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जनता को गुमराह करके संविधान और आरक्षण की बात करके, जनता को भ्रमित करके, इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत करके जो है अपने आप को 30 मार खां बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। सपा और कांग्रेस के जो इन्होंने भ्रामक स्थिति जनता में पैदा किया है, जनता सब समझ गई है। आम जनता को यह पता लग गया है कि मोदी और योगी देश और प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। आप लोग के बरगलाने पे अब जनता बरगलने वाली नहीं है। पुनः 2027 में डबल इंजन की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि क्लिप अधूरी है, पूरे संबोधन को जब आप देखेंगे तो मैंने शासन के क्रम में कहा था कि समाजवादी पार्टी के शासन में इतना भ्रष्टाचार था कि मैंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में थाने और तहसील में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा था। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और यूपी के पूर्व सीएम भी रहे हैं, इतनी जल्दी उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इनकी इस टिप्पणी पर बहुत खेद है, जो क्लिप हमको देखने को मिली है वो अधूरी है, बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रगति चौरसिया, मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।